वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी एकदम से होटल स्टाइल फुली खस्ता सत्तू स्टफिंग कचौड़ी। होटल जैसी खस्ता कचौड़ी घर पर बनाना बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि घर पे होटल जैसी कचौड़ी कैसे बनाएं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए 1 बाउल मैदा लिए हैं, ये क्वांटिटी में 250 ग्राम है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसको हल्का क्रश करके डालेंगे इस तरह से। 1/2 टीस्पून कलंजी, 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बाकी का भी तेल डाल देंगे इस तरह से, और अच्छे से तेल को मैदा में मिलाएंगे। तेल को अच्छे से मिला लिए, हल्का हल्का पानी डाल के टाइट डो लगा के तैयार कर लेंगे। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा मेरी लूज हो सकती है। एकदम से इनको टाइट आटा गूंथ के तैयार करना है। थोड़ी थोड़ी करके पानी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए आटा को गूंथ के एक टाइट डो बना के तैयार कर लिए। अब हम हाथ में थोड़ी सी ऑयल लेंगे और आटे के ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। और आटा को ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने 1/2 कप चने के सत्तू ले लिए, ये क्वांटिटी में 50 ग्राम है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हींग। कचौरी में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी के पत्ते। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 टेबलस्पून इतनी पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। स्टफिंग गीली हो जाएगी, हमको स्टफिंग एकदम से ड्राई बनानी है। देखिए स्टफिंग मेरी बनके तैयार हो गया। हम स्टफिंग में करीब 2 टेबलस्पून पानी डालें। अब कचौरी में स्टफिंग करके तैयार कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए, आटा को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा मेरी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। एक बार इस तरह से आटा को फिर से मसल लेंगे। अब हम स्टफिंग करके तैयार कर लेते हैं। आटा का छोटे छोटे लुई तोड़ लेंगे। इस तरह से कटोरी का शेप देंगे और 1/2 टेबलस्पून सत्तू का स्टफिंग रखेंगे और अच्छे से किनारों को दबाएंगे इस तरह से। और हल्का सा हथेली पे रख के हल्का सा दबाएंगे। ये देखिए बाकी आटा को भी स्टफिंग भर के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से अगर कचौरी बनाइएगा तो एकदम से बाजार जैसी खस्ता कचौड़ी बनके तैयार होगी। इसे आप ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं, ट्रेवल में खाने का मजा अलग ही है। और ये बिल्कुल भी 1-2 दिन तक खराब नहीं होती है। सारे कचौरी स्टफिंग करके तैयार कर लिए। अब इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ऑयल को लो फ्लेम पे गर्म कर लिए। इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे और चेक करेंगे कि मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं ना है। ये देखिए हम आटा जैसे ही डालें तो हल्का हल्का बुलबुले ऊपर आ रहे हैं। तो कचौड़ी फ्राई करने के लिए ऑयल मेरा परफेक्ट गर्म है, ना ज़्यादा गर्म है ना कम गर्म है। अब इसमें एक एक करके कचौड़ी डालेंगे। एक बार में तेल में जितना कचौड़ी आया उतना ही डालें। अब इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब इसे पलटेंगे। ये देखिए तेल में
बनाना शुरू हो गया है। पर ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो ये तेल के ऊपर अपने तैरने लगेगी। ये देखिए सारे कचड़ियों फूल गई पर ये तेल के ऊपर तैरने लगी है। अब इसे धीरे धीरे पलट लेंगे। और दोनों तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। दूसरे साइड से भी हल्का सीक गई, अब इसे इस तरह से भी पलट लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड से अलट पलट करके हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमारी कचौरी ये देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली बनी है। देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। दोनों तरफ से अलट पलट करके कचौड़ी को अच्छे से फ्राई कर लिए। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए कितनी फूली फूली कचौड़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। सारे कचौड़ी को इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के कचौड़ी भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारे कचौड़ी को फ्राई करके तैयार कर लिए। अब मैंने लिए 5 से 6 हरी मिर्च, इसे भी फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च में हल्का हल्का चीरा लगा लिए। अगर चीरा लगा के नहीं फ्राई करेंगे तो ये बहुत जोर से कटेगी और जल भी सकती है, इसलिए हल्का हल्का चीरा लगा लें। हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिए। अब इसे भी निकाल लेते हैं। होटल जैसी फूली फूली खस्ता कचौरी मेरी बनके तैयार है। तो आपने देखें कि घर पे होटल जैसी कचौड़ी बनाना कितना आसान है। आज की खस्ता कचौड़ी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।